नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लक्षा पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर जूलॉजी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को तैयारी करा रहा हूं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को प्रोटोजोआ प्रोलिफेरा नामक दो लेसन थे उनसे कंप्लीटली जितने भी क्वेश्चन थे आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर खत्म करा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये थर्ड लेसन है सीलेंट डेटा। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये थर्ड पार्ट है सीलेंट डेटा का। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने 81 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करें तथा साथ ही साथ हमें अपने सपोर्ट की भागीदार बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने 81 नंबर क्वेश्चन को। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हुई इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ निडेरियास। तो फ्रेंड्स इसका एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निडेरिया अन्य सभी जंतुओं से किस लक्षण में भिन्न है। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन स्टेटन, सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म, एंड थर्ड है रेडियल सिमेट्री, एंड फोर्थ है निमेटोसिस्टिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स निमेटोसिस्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु लर्टन इज फाउंड इन, यानी फ्रेंड्स एरिस्टोटल, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर एरिस्टोटल था, सॉरी हमने अरस्तु देखा, तो एरिस्टोटल लैंटन इज फाउंड इन, तो यानी कि एरिस्टोटल लैंटन पाया जाता है, यानी फ्रेंड्स कहाँ पाया जाता है। फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट है सी अर्चिन, सेकंड है अर्थवॉर्म, थर्ड है ओबलिया, एंड फोर्थ है स्नेक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी अर्चिन में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओबलिया इज फाउंड इन, यानी ओबलिया पाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट है फ्रेश वाटर, सेकंड है प्रेजेंट सी वाटर, थर्ड है ओनली इन फ्रेश वाटर, एंड फोर्थ है ओनली इन सी वाटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है ओनली इन सी वाटर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 84 नंबर क्वेश्चन है कि लार्वा ऑफ ओबलिया इज नोन एज, यानी ओबलिया के लार्वा को कहते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्लेनुला, सेकंड है इफाइडा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्लेनुला। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 85, यानी फ्रेंड्स 85 नंबर क्वेश्चन है कि एंग मेडुसा प्रोसेस द फॉलोइंग नंबर ऑफ टेंटेकल्स, यानी फ्रेंड्स इवा मेडुसा में टेंटेकल्स की संख्या होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने 8, सेकंड है 16, थर्ड है 32, एंड फोर्थ है 24। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 16। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्टेटोसिस्ट इन ओबलिया इज, यानी फ्रेंड्स ओबलिया में स्टेटोसिस्ट की संख्या होती है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड है 4, थर्ड है 8, एंड फोर्थ है 16। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 8। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि द सेंट्रल बॉडी कैविटी ऑफ ओबलिया इज नोन एज, यानी ओबलिया के केंद्रीय देह गुहा कहलाती है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन पैरागैस्ट्रिक कैविटी, सेकंड है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, थर्ड है स्यूडोसील, एंड फोर्थ है सिलोम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि इन द ओबलिया मेडुसा गोनेट्स आर लोकेटेड ऑन द, यानी फ्रेंड्स जो ओबलिया मेडुसा में जनन होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यानी फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड्स है मेनुब्रियम, सेकंड है रेडिया कैनल्स, थर्ड है सर्कुलर कैनाल, एंड फोर्थ है बीलम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेडिया कैनाल्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 89 नंबर क्वेश्चन है कि इन ओबलिया मेडुसा स्टेटोसाइट्स यानी सिस्टोसाइट्स आर फाउंड एट द बेस ऑफ, यानी ओबलिया मेडुसा स्टेटोसिस्ट किसके आधार पर पाए जाते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पर रेडियल टेंटाकल्स, सेकंड है इंटर रेडियल टेंटाकल्स, थर्ड है एड्रेडियल टेंटाकल्स, एंड फोर्थ है सब रेडियल टेंटाकल्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एड्रेडियल टेंटाकल्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन ओबलिया सिलेंट्रॉन इज इन इंटरनली लाइंड बाई, यानी ओबलिया में सिलेंट्रॉन आंतरिक रूप से किससे स्थित रहते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन एपिडर्मिस, सेकंड है गैस्ट्रोडर्मिस, थर्ड है मेसोग्लिया, एंड फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है गैस्ट्रोडर्मिस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 91 है फ्रेंड्स की करेक्टरिस्टिक सेल फाउंड इज द बॉडी वॉल ऑफ ओबलिया आर, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है कि ओबलिया की देह भित्त में पाए जाने वाले लार्जेस्ट कोशिकाएं। सर फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एपिथेलियम मस्कल सेल्स, सेकंड है न्यूट्रिटी मस्कल सेल्स, थर्ड है नेमेटो ब्लास्ट, एंड फोर्थ है स्क्लेरोब्लास्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स नेमेटो ब्लास्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में हमारे पूछा गया भी क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ जुआइड्स इन ओबलिया कॉलोनी इज, यानी ओबलिया कॉलोनी में जीवन का कार्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रेशन, सेकंड है न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, थर्ड है डेवलपमेंट, एंड फोर्थ है वाटर रेगुलेशन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 93 नंबर क्वेश्चन है कि लार्वा ऑफ जेलीफिश ऑरेलिया, यानी जेलीफिश ऑरेलिया का लार्वा है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्लेनुला, सेकंड है पॉलिप, थर्ड है मेडुसा, एंड फोर्थ है ब्लास्टुला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्लेनुला। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज फाउंड इन, यानी फ्रेंड्स बहुरूपता की उच्चतम कोटि प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्रोटोजोआ, सेकंड है निडेरिया, थर्ड है प्लेटेहेल्मिंथीज, एंड फोर्थ है आर्थ्रोपोडा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है निडेरिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि द
डियोसियस एनिमल्स यानी कि एक लिंगाश्री जंतु है, इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन लीवर फ्लूक, सेकंड है ऑरेलिया, थर्ड है टेपवर्म एंड फोर्थ है अर्थवर्म। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑरेलिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 96 नंबर क्वेश्चन है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन है। फ्रेंड्स देखिए अभी इसमें चार ऑप्शन काफी बड़े बड़े दिए गए हैं कि मेटाजेनेसिस रिफर टू यानी मेटाजेनेसिस किसका संकेत देता है यानी देना है, यानी मेटाजेनेसिस किसका संकेत देना है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेकंड इसका ऑप्शन है अकोरेंस ऑफ ए ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ए सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है ए यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेजिन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है एंड फ्रेंड्स 97 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव पॉलीफॉर्म यानी फ्रेंड्स निम्नलिखित में से पॉलीप अवस्था किसमें नहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना हाइड्रोजोआ, सेकंड है स्काइपोजोआ, थर्ड है एंथोजोआ एंड फोर्थ है ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्काइपोजोआ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिसिग्नेट द लाइफ साइकिल ऑफ ओवलिया इज यानी ओवलिया के जीवन चक्र को सूचित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटेनिस, सेकंड है मेटाजेनेसिस, थर्ड है मेटामॉर्फिस एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेटाजेनेसिस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 है कि प्राइमेटिव नर्वस सिस्टम इज फोरम इन यानी प्रारंभिक या आदि प्रकार का तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन स्पंज में, सेकंड है निरेडिया सिलेंट्रेटा, थर्ड है इकानोडर्मेटा एंड फोर्थ है निलेडिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है निरेडिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फ्रेंड्स की यह क्वेश्चन क्या है कि कोरल्स बिलोंग टू द फाइलम यानी कोरल में सम्मिलित किए गए हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्रोटोजोआ, सेकंड है पोरीफेरा एंड थर्ड है निडेरिया एंड फोर्थ है मोलस्का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है निडेरिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 101 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स यानी निम्नलिखित जंतुओं के समूह में से कौन सा एक समूह केवल लैंगिक विधियों से जनन करता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मोलस्का, सेकंड है इकानोडर्मेटा, थर्ड है सिलेंट्रेटा एंड फोर्थ है टीनोफोरा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टीनोफोरा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द स्पेशल करेक्टर्स ऑफ सिलेंट्रेटा ओनली इज द अकोरेंस ऑफ यानी कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति सिलेंट्रेटा का विशेषण लक्षण है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हर्माफ्रोडिटिज्म एंड सेकंड है फ्लेम सेल्स, थर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म एंड फोर्थ है नेमेटोसाइट्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है डी यानी नेमेटोसाइट्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेमेटोफोर्स हेल्प इन यानी फ्रेंड्स नेमेटोफोर्स सहायता करता है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने फीडिंग में, सेकंड है रिप्रोडक्शन में, थर्ड है प्रोटेक्शन में एंड फोर्थ फ्लोटिंग में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्लोटिंग में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 104 नंबर क्वेश्चन है कि एक कोरल आइलैंड विथ ए सेंट्रल सैलो लेक इज नोन एज यानी उस मूंगे के टापू को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय उथली झील पाई जाती है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन कोरल लीफ, सेकंड है एटॉल, थर्ड है कोरेलाइट एंड फोर्थ है डाइएंटोमेसियस सेल्थ सेथ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स एटॉल। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल इज यानी कि कोरल के बारे में सत्य कथन है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि दे फ्रॉम ब्रांच कॉलोनीज एंड सेकंड ऑप्शन है आर सोलेटरी और कॉलोनिकल पॉलीफाइड, थर्ड है दे ग्रो एज मैसिव बॉडीज एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सेमेट्री इन निडेरिया इज यानी निडेरिया में सम्मिलित होती है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रेडियल, सेकंड है ब्लेटरियल ब्लेटेरल एंड थर्ड है पेंटामेरस एंड फोर्थ है स्फेरिकल। यानी फ्रेंड्स ये इस जो आकार होते हैं आर्य आकार की होती हैं, दियरिया आकार की होती हैं, पंचभुजीय या स्फेरिकल की होती है यानी गोल आकार होती है। तो फ्रेंड्स इसका निडेरिया में जो समित होती है किस आकार की होती हैं, तो ये फ्रेंड्स रेडियल यानी कि आर्य आकार की होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स 107 नंबर क्वेश्चन है कि इन व्हिच क्लास ऑफ सिलेंट्रेटा द पॉलिप एंड मेड्यूसा बोथ आर फाउंड इन वन एनिमल्स यानी कि सिलेंट्रेटा के किस क्लास के जंतु में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना हाइड्रोजोआ, सेकंड है स्काइपोजोआ, थर्ड है एंथोजोआ एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है हाइड्रोजोआ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्या आखिर का ऑप्शन लगे हैं। देन फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है कि यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स एक और फाइसेलिया है, मिनेटिना है, गोरगोनिया है,
एडम्सिया है और सेकेंड और फ्रेंड्स हैं समुद्री एनिमोन बैन कोरल समुद्री फैन पुर्तगीज मैन ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक दूसरे को सुमेलित करना है तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा कोड सही है इसका। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का डी, एंड सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स वन का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए एंड सी है फ्रेंड्स वन का डी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए एंड फोर्थ है फ्रेंड्स डी का, यानी फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का डी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलाते हैं कि देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यानी फ्रेंड्स जो फर्स्ट है इसका कौन सा सही है, तो फ्रेंड्स यानी फाइसेलिया है वो फ्रेंड्स पुर्तगुज मेन ऑफ वाटर से संबंधित है जैसा कि भली बात जाते हैं मैंने फ्रेंड्स बताया भी है जो मीना और उसके बाद फ्रेंड्स मीना डिन्ना का तो फिलहाल पता नहीं है। तो फ्रेंड्स यहां पर गोरगोनिया को पहले देख लेते हैं तो गोरगोनिया फ्रेंड्स किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स जो गोरगोनिया है वो फ्रेंड्स समुद्री फैन से यानी कि एकदम समुद्री फैन से संबंधित है। उसके बाद फ्रेंड्स जो एडम्सिया ये किससे संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स संबंधित है ए यानी कि समुद्री एनिमल से। तो फ्रेंड्स जो मीना डिन्ना हुआ ये फ्रेंड्स बी से संबंधित है, यानी फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका कौन सा सही है, यानी कि डी बी सी ए, यानी डी बी फर्स्ट का डी, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी, फिर ए, डी बी सी ए, देख लेते हैं फ्रेंड्स डी बी सी ए कौन सा है। तो ये फ्रेंड्स सी, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है फ्रेंड्स ये डी बी सी ए, यही फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 109 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पेयर, यानी सही युग्मक का चयन कीजिए। इसमें फ्रेंड्स एक और रेडियल सिमेट्री है जो सीलेंट रेट्स को दर्शाती है, एंड सेकंड और है यानी इसका सेकंड टाइप्स है यानी सेकंड ऑप्शन है सिलोमेट्स एसके हेलमेंथीज, एंड थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स मेटामेडिज मोलस्क, एंड फोर्थ है टेप्लोब्लास्टिक स्पंजस। तो फ्रेंड्स इसका कौन सा राइट ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट्स, यानी फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन यही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 110 नंबर क्वेश्चन है कि इन व्हिच फाइलम नर्व्स सेल आर फाउंड बट नर्व्स आर अब्सेंट, यानी कि इस फाइलम के जंतुओं में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है किंतु तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती है। फ्रेंड्स फर्स्ट आप पोडीफेरा, सेकंड सिलेंट डेटा, थर्ड है प्लेटे हेलमेंथीज एंड फोर्थ है निमेटे हेलमेंथीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स सिलेंट डेटा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि बडिंग इज नॉर्मल मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, यानी मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का एक असाधारण प्रकार किसमें होता है। इसे फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट आपने स्टारफिश एंड हाइड्रा, सेकंड हाइड्रा एंड स्पंज, थर्ड है टेपवॉर्म एंड हाइड्रा एंड फोर्थ स्पंज एंड स्टारफिश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हाइड्रा एंड स्पंज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है कि निमेटोसिस्ट आर एक्टिवेटेड बाय, यानी निमेटोसिस्ट किसी द्वारा क्रियाशील सक्रिय होता है। फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट आपने वाटर, सेकंड है टच, थर्ड है ब्रेन एंड फोर्थ नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टच। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैरेक्टर्स फीचर्स ऑफ सिलेंट्रेट, यानी सिलेंट्रेटा का विशेष लक्षण। से फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने आल आर मरीन, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ टेंटेकल्स अराउंड माउथ, थर्ड है पॉलिप एंड फोर्थ है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 114 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑब्टेन वाटर डिसॉल्व ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन थ्रू दियर बॉडी सरफेस, यानी निम्नलिखित में से कौन श्वसन के दौरान जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने शरीर के वाह सतह द्वारा प्राप्त करता है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन निडेरियंस, सेकंड फिशेस, थर्ड है एम्फीबियंस एंड फोर्थ है रेप्टाइल्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है निडेरियंस। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कॉमन नेम ऑफ फंजिया, यानी फंजिया का सामान्य नाम है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मशरूम कोरल, सेकंड है रेड कोरल, थर्ड है ब्रेन कोरल एंड फोर्थ है ऑर्गन पाइप कोरल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मशरूम कोरल। फ्रेंड्स मशरूम एक सब्जी भी होती है जैसा कि आप अगली बार जानते ही होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 116 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 116 नंबर क्वेश्चन है कि सेंस ऑर्गन्स ऑफ ऑरेलिया आर, यानी ऑरेलिया के संवेदी अंग होते हैं। फ्रेंड्स माँ फर्स्ट आपने टेंटिला, सेकंड है टेंटाक्यूलोसिस्ट एंड थर्ड है निमेटोसिस्ट एंड फोर्थ है ओटोलिथ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टेंटाक्यूलोसिस्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री इज फाउंड इन एडल्ट सी एनिमोन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी सममित वयस्क सी एनिमोन में मिलती है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विराडियल, सेकंड स्फेरिकल, थर्ड है बिलेटरल एंड फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विराडियल। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को 117 जो यानी नंबर क्वेश्चन तक मैंने इस वीडियो में बताए हैं समझ में आ गया होगा, या फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा जो अगला लेसन है वो फ्रेंड्स टीनोफोरा का, तो मिलते हैं अपने टीनोफोरा वाले नामक लेसन में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम, थैंक यू, सत श्री अकाल, थैंक यू।